मैं प्रकाश तिवारी आप सभी दर्शकों को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं करिश्मा राव आप सभी को क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूं। प्रकाश जी और करिश्मा राव जी, सुनने में आपकी फिल्म है जो वेब सीरीज में है और बहुत अच्छी आप लोकेशन पे शूट कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे चंपू की सुहागरात? चंपू की सुहागरात जो वेब सीरीज है जो 50 एपिसोड का है और हमारे दर्शक बहुत पसंद रहे हैं, जिसकी वजह से हम जहां पहले रिलीज करते थे यूट्यूब के जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस चैनल पर, अभी एक बहुत अच्छी बड़ी सी कंपनी के साथ टाई अप हुआ है और हमने भी चेंज किया हुआ है। अभी आप देख पा रहे होंगे प्रकाश तिवारी मधुर यूट्यूब चैनल पर चंपू की सुहागरात। आप लोगों का प्यार ही है कि आज बड़े कंपनी के साथ हमारा टाई अप हुआ है और बहुत जल्द और भी अच्छे तरीके से हम चंपू की सुहागरात, जो बहुत ही कॉमेडी है और आप लोग देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, जो लोग नहीं देख पाए हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप चंपू की सुहागरात सर्च करिए, प्रकाश तिवारी मधुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। करिश्मा जी, आप क्या कहेंगे इस फिल्म के बारे में जिसकी बहुत सक्सेस मिल रही है आपको, आपने काम चालू किया हुआ है, तो कुछ बताएंगे? बिल्कुल, चंपू की सुहागरात जैसा कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया है हमारी सीरीज़ को और हमारी फर्स्ट कॉमिक सीरीज़ को जो कि प्रकाश जी के थ्रू थ्रू स्टार्ट की गई है, तो इसलिए एक बहुत ही फेमिलियल हमारी सीरीज़ है। हाँ, इसके कभी कभी हमें थोड़े से ये आते हैं कि आपका नाम बहुत ही फनी है और एक तरह से थोड़ा सा ऑकवर्ड भी आता क्योंकि है, क्योंकि सुहागरात ऐसा नाम, कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कंप्लीट फैमिली ड्रामा है, कॉमेडी है, उसको आप देखिए, उसमें कुछ ऐसा नहीं है, केवल एक ऐसा सस्पेंस बना हुआ है चंपू की सुहागरात में कि 50 एपिसोड भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कुछ तो है, अभी और आना चाहिए, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि चंपू की सुहागरात आप जरूर देखें। ये कॉन्सेप्ट अचानक आया ऐसा कि कुछ हमें करना चाहिए और करिश्मा जी ने कहा कि आइए मिलकर कुछ हम लोग करते हैं और फिर एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने शुरू किया। पहले सोचा था कि एक छोटा सा 10 से 15 मिनट का ही हम लोग करेंगे, लेकिन जैसे ही ये रिलीज हुआ चंपू की सुहागरात, लोगों का रिस्पांस आना शुरू हो गया और बहुत पसंद किया गया, इसी की वजह से हमें बड़ी कंपनी के साथ टाई अप हुए हैं हम लोग और अभी उसको हम दूसरे उस पर रिलीज कर रहे हैं प्रकाश तिवारी मधुर यूट्यूब चैनल पर, आप देखें। और मैं जी आपसे भी यही सेम क्वेश्चन जी, कैसे प्लान किया, कैसे दिल में आया कि मैं ये एक्चुअली सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग शुरुआत हुआ जब सर के दिमाग में ये प्लान आया, ये कॉन्सेप्ट आया, तो ये बहुत ही कच्चा पक्का सा था, तो उन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि मैं कुछ ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ हुई, जब उन्होंने बताया तो मुझे भी लगा कि ये कुछ हटके है और फाइनली फिर मैंने इसे यूट्यूब पर सर्च किया, क्योंकि यूट्यूब ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको ए से लेके जेड तक, शायद उससे भी आगे कुछ होता तो वो भी मिलता, तो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली मुझे नहीं मिला। सो ये बहुत एक्साइटिंग था हम लोगों के लिए कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट, सोचते सोचते ऐसी चीज़ आ गई दिमाग से बाहर जो कि यूट्यूब पे नहीं है, तो हम लोगों के लिए ऑलरेडी ये बहुत एक्साइटिंग, टाइटल भी नहीं है, ये बहुत ही यूनिक टाइटल, एक्चुअली ये यूनिक टाइटल हो गया और इस टाइटल को ढूंढ के हमने देखा कि ये टाइटल नहीं है। जब हम रजिस्टर्ड करवाने गए तो वहाँ एक ही झटके में उन्होंने कहा कि कोई टाइटल नहीं है, बहुत ही अच्छा है और तुरंत मिल भी गया, तो इसलिए ये रही हमारे चंपू की सुहागरात की शुरुआत और यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हो गई। दोनों जाना चाहेंगे, दोनों सिंगर भी आ चुके हैं, तो सिंगर से एक्टर के दहलीज पर कदम रखना कितना मुश्किल काम रहा है या कितना आसान रहा है, कुछ बताइए उसके बारे में। ना तो आसान है और ना ही बहुत मुश्किल, ये जरूर है कि अगर आप करना चाहें तो आप करते हैं, बस यही मेरे अंदर हमेशा से रहा है कुछ नया करने का। और फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक्टिंग है, हमें वाकई में सिंगिंग और एक्टिंग दोनों ही विरासत में मिली है और उसी को लेकर मैं चल रहा हूँ, इसलिए मैं कॉमेडी ये शो एक लेके आया हूँ चंपू। और बोलना चाहती हूँ कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये
एक्टिंग की अगर बात करें तो ये बात सच है कि मैंने प्रकाश जी के साथ बहुत सारा पहले भी किया है, आई विश कि मैं करती रहूँगी। तो एक अच्छी चीज़ को अगर हम जनरेट, ऐसी चीज़ सोसाइटी को दे रहे हैं जो लोगों को हंसा रही है और एक अच्छे मैसेज को पहुँचा रही है उनके बीच तक, तो ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि हम कुछ ऐसा सोच पा रहे हैं, कुछ ऐसा कर पा रहे हैं। और एक्टिंग और सिंगिंग की बात जहाँ तक है, हाँ मैं इनटू एक्टिंग ही, सिंगिंग मेरे लिए कुछ ऐसा है जो कि मैं प्रकाश जी के थ्रू ही सिंगिंग से बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं चाहती थी गाना अपने लिए गाती थी, लेकिन पब्लिकली उस चीज़ को लाने में उनका ही कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये बात सच है, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा मोटिवेट किया। मैंने अपना फर्स्ट लाइव शो भी उनके ही साथ किया, ये मेरी लाइफ का लास्ट ईयर फर्स्ट शो था दिसंबर में, जो मैंने उनके साथ ही किया। तो इतने लोगों के बीच में गाने के बाद जब आप गाते हो तो ऑफकोर्स कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता है। और एक्टिंग उनको मैं ये नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो ऑफकोर्स विरासत जैसा उन्होंने बोला, तो ही इज़ मल्टी टैलेंटेड, आई विल जस्ट से कि ही इज़ मल्टी टैलेंटेड, वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा हम ये पूछना चाहेंगे कि टीम के बारे में कुछ बताइए, आपके अलावा डायरेक्टर प्रोड्यूसर, कितना आपस में कैसा कॉम्बिनेशन है सारी टीम का, जब तक टीमें भी हैं तब तक कुछ कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता। टीम हमारी बहुत ही अच्छी है, चंपू की सुहागरात में जो कॉन्सेप्ट में हमारा साथ दे रहे हैं हमारे बड़े भाई शैलेंद्र तिवारी शरुदत्त जी, और डायरेक्शन इत्तेफाक से हम ही कर रहे हैं, प्रोडक्शन भी मधुर फिल्म्स है। और हमारे इस टीम में बहुत सारे कलाकार हैं, जिनमें से जंगू ताई का जो कैरेक्टर है पूनम कोपिया कर रही हैं, उसको दर्शकों ने बहुत सराहा है। उसके साथ ही मीनाक्षी श्रीवास्तव हैं जो कि मम्मी के किरदार में हैं, बी आशीष हैं, मुन्ना मोबाइल हैं जो बहुत ही अच्छे किरदार के साथ इस चंपू की सुहागरात में आ रहे हैं, और भी बहुत सारे किरदार अभी हमारे शो में जुड़ने वाले हैं। जैसा कि अभी टाइप की बात उन्होंने बोली, तो क्योंकि अब ये प्लेटफॉर्म थोड़ा बड़ा हो गया, कुछ चीजें सस्पेंस रखते हैं, इसलिए अब सारी चीजें सस्पेंस, अगली बार जब आप आएंगे ना हमसे मुखातिब होंगे तब हम लोग शेयर करेंगे वो बातें आपसे। और आपकी लाइफ में नया क्या चल रहा है, कल आपका एक शो भी शायद आज है या कल था, कल भी कुछ बताएंगे कि और क्या क्या प्रोजेक्ट आपकी जिंदगी में आने वाले हैं या आ चुके हैं? बहुत सारी चीज़ें अभी अभी हम लोगों के बहुत सारे गाने आने वाले हैं, जो जिसमें हम लोग एज ए सिंगर और उसमें हम Maybe as a... हाँ आएंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं नए साल में 2020 में, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। और हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि हम लोगों ने जो सोचा है या जिन लोगों ने हमें हमारे ऊपर भरोसा करके इतना बड़ा बड़ा काम दिया है 2020 के लिए, उनके लिए हम खरे उतरे। और कल की अगर मैं बात करूं तो हाँ, कल हमारा एक रणवीर शो था जो कि एक बहुत ही प्यारी एनजीओ और उनकी थीम से जुड़ा हुआ था, और इस शो का नाम है मिस्टर एंड मिस आइकन दार्शनिक मुंबई 2019, और ये कल हुआ मिनिस्ट्री ऑफ डांस में, जो कि जहाँ पे रेमो डिसूजा और काफ़ी बहुत सारे बड़े नाम जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पर रनवे ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है लोगों का, सो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और मुझे उस रनवे पे वॉक करने का मौका मिला, उनके डिज़ाइंस को शोकेस करने का मौका मिला, एंड ऑफ कोर्स उन बच्चों के साथ रूबरू होने का मौका मिला, उन्हें शोकेस करने का मौका मिला, जो बच्चे शायद ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए, वो शायद ऐसे प्लेटफॉर्म को जानते भी नहीं हैं। तो उन गरीब बच्चों को ऐसे प्लेटफॉर्म पर उतारना विद एक नए कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट था, और ये कॉन्सेप्ट मैं नाम ज़रूर लेना चाहूँगी, वॉज डिज़ाइन बाय मिस्टर कल्याण जी जाना विद उनकी वाइफ अंकिता जी, और हमारी जो कोरियोग्राफर थी उनका नाम है, मैं लेना चाहूँगी मैम शुभ मल्होत्रा, शी वॉज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक लेडी, और उनकी देखरेख में ये पूरा शो कंडक्ट हुआ एंड इट वॉज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। ये हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं और दमदार अभिनेता हैं, राहुल खन्ना उर्फ मुन्ना मोबाइल के नाम से फेमस हुए हैं ये एक कॉमेडी सीरियल से। उसके बाद ये मुन्ना मोबाइल के नाम से हमारे चंपू की सुहागरात कॉमेडी वेब सीरीज में लगातार एंट्री मारने वाले हैं, अगली एंट्री इन्हीं की है। आइए हम इन्हीं से सुनते हैं कि चंपू की सुहागरात
वेब सीरीज में शूटिंग करके इनको जो किरदार मिला है उनको कैसा लगा ये खुद ही बताएंगे। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने मुझे प्रमोट किए हैं, चंपू की सुहागरात में एक ऐसी वेब सीरीज है कि आप हंस हंस के ना पेट पकड़ लेंगे। और इनके जो सहयोगी हैं, हीरोइन जो हैं करिश्मा राव जी, वो तो लाजवाब हैं सर, आप तो बस क्या बताऊं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूं कि गंगा चैनल पे मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे एक सीरियल आती थी जिसका नाम था बगल वाली जान मारेगी, जस्ट लाइक भाभी जी घर पे हैं कि पार्ट टू ही समझ लीजिए। ये सीरियल में मुझे बिहार के दबंग बाहुबली मुन्ना मोबाइल का कैरेक्टर मिला था और वो निभाया हूँ। इससे पहले तो मैं पत्रकार हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, आप सभी लोग जानते ही हैं। उसके बाद से आप सभी लोगों की जो प्यार मोहब्बत हमारे साथ जुड़ा तो बस जुड़ता ही चला गया और वैसे ही जोड़े रखिए। और सबसे बड़े दिलेर तो ये मेरे भाई हैं जिन्होंने हीरे को पहचाना और अपनी जो वेब सीरीज है कॉमेडी चंपू की सुहाग रात में मुझे उसी गेटअप में इन्होंने रिपीट किया कि आप मुन्ना मोबाइल के गेटअप में ही हमारे चंपू की सुहाग रात जो वेब सीरीज है उसमें आपका बड़ा लंबा किरदार है, आपको कंटिन्यू चलते रहना है। मेरे भाई हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बॉलीवुड का एकदम चहेता एक्टर और सिंगर हैं। इनकी आवाज़ में ओहो माँ शारदा वास करती हैं। मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ इनका, मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ लेकिन इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और तब से मुझे लगा कि मैं अपने आप को सौभाग्यवान समझता हूँ, एक अच्छा इंसान समझता हूँ कि मेरे भाई ने मुझे उस लाइक समझे और अपने इस वेब सीरीज में मुझे अभिनय करने का मौका दिए हैं। तो आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, विनती है कि आप ज़रूर चंपू की सुहागरात वेब सीरीज को वक्त निकाल के, समय निकाल के खाते पीते सोते जागते उठते भागते भूखते कुछ भी करते, मतलब मोबाइल निकाले और बस यूट्यूब पे गए और सीधा डायल करे चंपू की सुहागरात, और सुहागरात में सीधा बस सुहागरात का दरवाजा खुला और आप देखिए फिर आगे क्या होता है। और चैनल सब्सक्राइब करिए प्रकाश तिवारी मधुर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ये तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी, वो कीजिएगा तभी तो कुछ देखने को मिलेगा ना। और देखते रहिए अगले वेब सीरीज में आप अपने मुन्ना मोबाइल को, हम आ रहे हैं तो नमस्कार करता नहीं। और फिर हम और कोई अवल बने तो हम थोड़ा सा सोचे थे कि हम जरा सा समय दे रहुआ, कहे कि खूबसूरत हीरोइन यहाँ इंतजार करते भैया, तो हम लोगों से मिलने के खातिर बढ़िया बढ़िया बात करने के खातिर कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग YouTube चैनल प्रकाश तिवारी मधुर को सब्सक्राइब करिए और चंपू की सुहागरात को देखिए। आप क्या कहना चाहेंगी? ऑफ कोर्स जरूर देखिए, और अभी उसके 1x1 बहुत सारे सीक्वेंस रिलीज होने वाले हैं और जो कि बहुत 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 सारी कुछ अलग स्टोरीज और बहुत सारी अलग कॉमिक के साथ आने वाला है, तो प्लीज देखिए, एंजॉय एंड कीप लाफिंग। थैंक यू। सबसे पहले तो आने वाले नए साल की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और विशेष बात यह है कि 25 दिसंबर वैसे भी बहुत खास होता है, बड़ा दिन माना जाता है, क्रिसमस डे माना जाता है, उसको क्रिसमस डे के रूप में भी मनाते हैं, और 5 दिन बाद 6 दिन बाद हमारा नया साल आ जाता है। और हमारे लिए खास बात यह है कि 25 दिसंबर हमारे एक बहुत ही खास हमारे रीवा के जाने माने बिजनेसमैन हम बोल सकते हैं और वहाँ के बहुत ही चहेते मधु भाई, जिनका मधु स्वीट स्टोर है जो कि 25/12/89 को स्टार्ट हुआ था और कल से 25 तारीख से उसके 30 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो भाई मधु भाई को हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि 30 वर्ष पूरे आपने किए हैं, रीवा की जनता ने आपसे इतना प्यार किया है कि ये जो प्रतिष्ठान है मधु शू स्टोर इतने वर्षों तक लगातार और इतना नामी है, रीवा की जनता हमेशा आपको प्यार करती है क्योंकि आपका व्यक्तित्व इतना अच्छा है। शोभा फिल्म्स की शुरुआत आपने जो की बहुत पहले और इतने सारे एल्बम आपने बनाए, जहाँ से मेरा एल्बम बहुत हिट हुआ था आपके द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ डमरू बजाए भोलेनाथ, वो आपने प्रोड्यूस किया था और वहाँ से पब्लिक हमें भी जानने लगी, और आपने ही कहा था मधु भाई कि आप मुंबई जाओ, मुंबई जाओ हम आपका सपोर्ट करेंगे। हम मुंबई में हैं, अचानक मुझे याद आया कि 25 दिसंबर आ रहा है और 25 दिसंबर हमारे मधु भाई के लिए बहुत ही खास है। आपके मधु शू स्टोर के 30 वर्ष के सफलतम पूरे होने पर हम चंपू की सुहागरात की टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। चंपू की सुहागरात की हीरोइन करिश्मा जी
आपको शुभकामनाएं देंगे। ऑफ कोर्स, और अगर ये इतना शुभ दिन है जैसा कि आप बता रहे हैं, 25-30 साल, राइट, 30 साल पूरे होना किसी स्टोर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होता है, ये हम सभी जानते हैं और एग्री भी करते हैं, तो इस खुशी को और बढ़ाते हुए उनको मैं भी विश करती हूँ कि उनका ये जो अचीवमेंट है ये ऐसे ही साल पे साल पे साल बढ़ता जाए, और उनको बहुत सारी शुभकामनाएं क्रिसमस की, न्यू ईयर की, और आने वाले साल में आई विश कि उनका ये स्टोर और बहुत सारी चीज़ें लेकर आए उनके लिए। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो तमाम भारतीय परिवार को नए साल की बहुत बहुत शुभकामना, और उसके बाद जो क्रिसमस का त्यौहार आ रहा है, हम भारतीय परिवारों के लिए बहुत ही खुशियों का त्यौहार है। इतने सारी खुशियों के बीच में एक खुशी और है, हमारे मधु भाई जी शोभा फिल्म के निर्माता और मधु शू के शोरूम के मालिक और सबसे बड़े दिलेर इंसान, मध्य प्रदेश रीवा के रहवासी और हमारे प्रिय दोस्त प्रकाश तिवारी जी मधु, जो बॉलीवुड के सिंगर और एक्टर हैं बहुत फेमस, इनके प्रिय ब्रदर, प्रिय भ्राता, उनको तहे दिल से नए साल में हम सभी चंपू की सुहागरात की टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो नए साल की। उनके जो शू का शोरूम है वो 30 साल पूर्ण रूप से सुचारू रूप से समाज सेवा करते हुए पूरा किए, उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई। और सबसे बड़ी बात है, बड़े दिल के राजा इंसान मधुर भाई मधु जी, उनको नए साल की हम पूरी टीम के तरफ से और तमाम भारतीय परिवार के तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। और प्रभु आप सभी दर्शक, हमारा बहुत बढ़िया कॉमेडी चंपू की सुहागरात देव सीरीज आ रही है, आप लोग ज़रूर देखें। प्लीज़ हम निवेदन करते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बार बार करें, बार बार करें, ये गलती बहुत बार करें, यानी करते रहें, शेयर करना बिल्कुल ना। और मधु भाई एक ऐसी शख्सियत है हमारे रीवा के, जिन्होंने शुरुआत की बघेली में, कुछ गाने उन्होंने बनाए उस दौरान जब लोग मतलब हमारी बोली को वो रिस्पांस नहीं देते थे, तब उन्होंने बनाया था। और दूसरी बात, हमें बहुत प्रमोट किया, और हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश रीवा के मधु भाई एक तरह से राम गोपाल वर्मा है, जो वो सोचते हैं वो करते हैं, इतने क्रिएटिव इंसान हैं। उन्होंने अगर कह दिया हमें फिल्म बनाना है तो वो बनाते हैं, उन्होंने कह दिया कि ये एल्बम रिलीज करना है तो करना है। तो मुझे अचानक याद आया मधु भाई कि उनका 30 वर्ष पूरा हो रहा है, तो मैं आपको, भले मुंबई में हूँ लेकिन मैं आपको यहीं से शुभकामनाएं देता हूँ मीडिया के माध्यम से। मधु भाई आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, यही हमारी शुभकामना है चंपू की सुहागरात की टीम से। करिश्मा राव और मुन्ना मोबाइल अभिनेता, बहुत ही शानदार अभिनेता हैं, हम तीनों की तरफ से मधु भाई आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।